कब्रिस्तान में मरुमा, अगर तीन लोगों का पानी देगा तो अगर मैं ये कई के वास्ते कर रहा हूँ, मेरे घर के वास्ते नहीं कर रहा हूँ। ये मरुम है, अंदर भी गए तो इनू पाक है, हम तो भी नापाक। अभी मरुम है इनू, क्या करेंगे अंदर है तो ऐसा। सविता इंदर रेड्डी मैडम, ये खबर है, ये खबर के बाजू जिलपल्ली म्युनिसिपल के अंदर हूँ मैं। मेरे को इतनी तकलीफ है, जब इंसान मरे बाद भी अल्लाह सुबहाना ताला बता रहे हैं उन्हें पाक है, पाक नापाक चीज से इंसान जिंदा रहा तो बचना है, मरे बाद तो सोचो आप, गुसूल दिया जाता, कफन पहनाया जाता, सुप पहनाया जाता, उसके बाद पाक आदमी गने एक नापाक गंदी चीज जा रही है, गलीस मोरी का पानी जा रहा, इसकी तकलीफ किसको सुनाना चाहिए बताओ। मैं जेलपल्ली म्युनिसिपल पूरा नाकाम है, मैं केसीआर केटीआर साहब को बताना चाह रहा हूँ, और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आप थोड़ा सा यहाँ पे तवज्जो दियो, थोड़ा सा तवज्जो दियो यहाँ पे। अवैसी साहब से मेरी गुजारिश है कि जेलपल्ली म्युनिसिपल के ऊपर थोड़ा तवज्जो दियो। एक महरूम मर गए बाद भी अगर खबर में हो, उनको अगर सुकून नहीं मिल रहा तो क्या होगा इसका, मेरे को बताइए। और एक एक चीज मैं ये बता रहा हूँ, गंदा मोरी का पानी ये अंदर जा रहा खबरों में। आज मैं कब्रिस्तान में लेटा हुआ लेटा और कब्रिस्तान में पानी में हूँ, खबर पानी में डूब गए, तो इसको अल्लाह करने जाके क्या जवाब देंगे सविता इंदर रेड्डी मैडम, और मुसलमान लीडरों को बोलो अल्लाह करने जाके क्या जवाब देंगे। जलपल्ली म्युनिसिपल के 110 करोड़ रुपए लगाए, बोले कहाँ लगाए मेरे को बताओ 110 करोड़ रुपए। यहाँ पे जलपल्ली म्युनिसिपल के अंदर नबील कॉलोनी करने पूरी आवाम परेशान है, जाने आने वाले औरतें गिर जा रहे हैं हमारी बस्ती के और हमारे और भी लोग, तो इसके जिम्मेदार कौन है? अगर अल्लाह सुबहाना ताला बता रहे हैं हदीस में, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो इंसान पाक इंसान जिंदगी में जिंदा रहे तक पाक, उसको पानी गंदे पानी से भी बचना है। ये मरूम अब जब खबर में है तो उनके उनके ऊपर क्या बीतरी, पूरे खबर पानी में, पूरे खबर पानी में, सिर बिगड़ी लोगों पानी में, उनके अंदर गंदा पानी चलेगा तो ये क्या जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी रहेंगी मुझे बताओ, इसके जिम्मेदार कौन है? मैं जब यहाँ पे आया देखा ये मेरा जाती मफाद नहीं है, ये कब्रिस्तान आखिरी वक्त मरे तो सबको कब्रिस्तान के अंदर जाना है, सब मरने वाले कब्रिस्तान के अंदर जाना है। मेरे को डराए तो नहीं डरूंगा, ये कब्रिस्तान में मेरे को भी दफन होना है, मेरे बारकस के कब्रिस्तान में मेरे को भी दफन होना है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जेलपल्ली म्युनिसिपल सविता इंदर रेड्डी 1.5 साल से पुकारो, 2 साल से, एक बार यहाँ कब्रिस्तान करने भी रोका बताने से पहले नहीं रोके, अल्लाह कहने क्या जवाब देंगे मुसलमान लीडर हो या मैडम, क्या जवाब देंगे रंजीत रेड्डी केटीआर केसीआर तक ये बात पहुंचा रहा हूँ, और तेलुगु मीडिया वाले पूरे बिके हुए यहाँ आके बताते नहीं, सुने जो भी बता रहे हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ये काम जल्द से जल्द हल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू, आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावजीर, मैं आज बहुत दिन से मुझे लोग बोल रहे थे और तकलीफ भी है यहाँ पे, नबील कॉलोनी कुत्ता पेट बड़के झड़कने, जो ये एरिया सविता इंदर रेड्डी एजुकेशन मिनिस्टर के एरिया के अंदर आता और रंजीत रेड्डी एमपी, ये दोनों भी टीआरएस के है, जेलपल्ली म्युनिसिपल के अंदर आता। मेरी अपील है, गुजारिश है, और मैं खासकर एक बात बोल रहा हूँ, ये कोई जाति मफाद के लिए नहीं, कहीं जाति दुश्मनी कुछ भी नहीं है, लोग बोल रहे हैं मुझे आप मैडम को बोल रहे हैं, नहीं, अवाम जो परेशान है अवाम का काम बता रहा हूँ मैं। आज मैं यहाँ दौरा करा, कब्रिस्तान के अंदर पूरा पानी भरे हुआ है, अरे अपन अपन जिंदा रहते पर अपने नापाक चीज से अपने को बचाना है, जब अंदर मरूम कब्रिस्तान में मर गए बाद भी उसको तकलीफ हो रही, तो मरने मैं जिंदा है सो वालों से पूछना चाह रहा हूँ, जमीर बन गया क्या लीडरों का, टीआरएस के लीडर है यहाँ पे, एमएलए टीआरएस एमपी टीआरएस, आपका जमीर मर गया, यहाँ पे हम परेशान है, और यहाँ आने जाने वालों को सलाला से लेके कुत्ता पेट को जाने वाले, नबील कॉलोनी अंदर के 15-20 कॉलोनियों को जाने वाले परेशान है, इसके जिम्मेदार कौन है? काम शनशन हुआ बोल रहे हैं, काम नहीं करा रहे, पिछड़े दिल 2 साल से ऐसी है, तो मेरी अपील है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कि ये काम आप जरा तवज्जो दे के कराइए, और अकबरुद्दीन अवैसी साहब से भी कहना चाह रहा हूँ, जैसा आप आपके हल्के को चमका के रखे, थोड़ा सा अकबर भाई आप यहाँ पे भी तवज्जो दियो, आपके हल्के में कब्रिस्तानों के बाउंड्री वाला उठाए, आप और बहुत सारे काम करे, स्कूल अंदाले, यहाँ पे एक स्कूल नहीं है अकबर भाई, शाहीन नगर के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी साहब जेलपल्ली म्युनिसिपल के अंदर एक मुसलमान बच्चों को 10th का स्कूल तक नहीं है, एक कॉलेज तक नहीं है, थोड़ा अकबरुद्दीन अवैसी साहब से कहना चाह रहा हूँ कि ये बाजुक के एरिया में भी आप तवज्जो दियो, हो सकता है एरिया आपका नहीं एजुकेशन मिनिस्टर का है, मगर आप इसके ऊपर तवज्जो दियो। और एक एक बात, यहाँ के कॉरपोरेटर मुकामी जो अहमद कसादी मुझे फोन करे, करके बताए, मैं ग्रुपों में डाले थे, लोग बात चल रही थी आज जाना है दौरा करना है, तो उन्होंने बता रहे हैं 2 दिन के अंदर पानी निकाल देता हूँ मैं बोल के, उन्होंने वादा कर रहे हैं मेरे से, फोन पे वादा करे, इंशाल्लाह वो भी देखेंगे 2 दिन के अंदर अहमद कसादी साहब पानी निकालते या नहीं निकालते, अगर ये पानी नहीं निकलेगा याद रखो शेख सईद बावजीर यहीं अपना घर बसा लेंगे, यहीं बिस्तर ला के रह जाएंगे, यहीं डेरे डाल के रखेंगे, हमारे बस्ती की औरतों को
हमारे लोगों को तकलीफ हो रही तो, और मासूम बच्चे स्कूलों को जा रहे, मदरसों को जा रहे, नमाज को जाने, मस्जिद को जाने नहीं आ रहा, तकलीफ हो रही। अगर ये काम नहीं कराएंगे, जेलपल्ली म्युनिसिपल नहीं कमिश्नर आए लेडी, उनसे भी कहना चाह रहा हूँ, तो याद रखो यहीं पे भूख हड़ताल बैठूंगा, पानी के अंदर बैठूंगा, कोई रोक नहीं सकते। आवाम का काम बता रहा हूँ, कोई जातियत पे नहीं बता रहा हूँ। जो भी आवाम से कहना चाह रहा हूँ, जो भी वीडियो देखे, ये वीडियो आगे तक पहुँचाई, और वेब मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरा अगर सपोर्ट कर रहे हैं, आवाम का सपोर्ट में है तो वेब मीडिया वाले, उससे हट के कोई नहीं है। और तेलुगु चैनल वाले तो यहाँ आते नहीं, और एक थोड़े चैनल वाले बिके हुए है, पैसे ले लेते, नहीं बताते, अल्लाह से डर के बताओ, आवाम परेशान है तो। शुक्रिया।